सरकारी स्कूलों का कायापलट हो रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार ने मोटिवेशनल स्पीकर सीरीज शुरू करी हुई है। इनमें आईएएस, पीसीएस अधिकारी और सेना के आला अफसर समेत कई गणमान्य लोग अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा कर बच्चों का मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरणा देते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों से संवाद करते हैं और इसके परिणाम काफी उत्साहजनक दिखाई दिए हैं। हम लोग एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, और आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने बोला कि आप लोगों में से किसी ने किसी सिविल सर्वेंट से कभी पहले इंटरेक्ट नहीं किया। तो सबसे पहला जो एक मिथ आता है वो अपने दिमाग से आप लोगों को हटा देना चाहिए कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट है या जिसने यूपीएससी को क्वालिफाई किया है वो कहीं दूसरे प्लैनेट से आया है। बिल्कुल भी नहीं। मैं जहां आप थे, जहां आप बैठे हैं, मैं उनके भी पीछे बैठा होता था, और जिस तरह से आप एस्पायर कर रहे हैं आज कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरह से हम सभी ऐसा सोचते थे। और आज के दिन मैं उन लकी लोगों में से हूं जो मैं आज एस्पायर करके ये बन पाया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे पहला चीज जो इस पूरे जर्नी का रहता है, जो पहला स्टेप है, वो है कि आपके दिमाग में ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए कि हमें इस जगह पे पहुंचना है। वो आपके अंदर पहले से है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि कोई सिविल सर्वेंट कोई बाहर का आदमी होता है या इस सोसाइटी से नहीं होता या उसमें कुछ अलग ऐसी चीजें होती हैं कि वो सिविल सर्वेंट बन जाता है। सभी लोग, हम ही, आप ही लोगों में से कई लोग जो हैं आगे सिविल सर्वेंट बनेंगे, और आप लोग यहाँ बैठ के दूसरे लोगों को बता रहे होंगे कैसे सिविल सर्वेंट बनना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसे यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या करना होगा। तो आईएएस बनने के बारे में कि कैसे बना जा सकता है, क्या करने की जरूरत है, अपनी पर्सनैलिटी से लेके अपनी पढ़ाई तक में क्या करने की जरूरत है, और आज से ही क्या करने की जरूरत है जब आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, तभी से क्या करने की जरूरत है जब आप इंजीनियर बन जाएं, उसके बाद आईएएस की तैयारी करें, वो एक घटना है, बहुत सारे लोग करते रहेंगे। लेकिन हमारे 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले 6 लाख बच्चों में से जो ये सपना देखता है कि मुझे बड़ा होके थोड़ा आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है, हर उस बच्चे को ये क्लैरिटी रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए करना क्या है, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थॉट्स में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी पढ़ाई में, अपने मार्क्स में, अपने मार्क्स की काफी बात की, स्कोर्स में या इन डेप्थ में किसी भी सब्जेक्ट की क्या करना है। ये इन्हीं प्रयासों की वजह से दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर अफसर बन रहे हैं। यही कारण है कि कई दूसरे राज्यों के नेता और मंत्री भी दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखने के लिए दौरे कर रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार के स्कूलों के मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकें।